हजरात आखरी हदीस सुन लो, जिस बात नाल दिल नरम हुंदे ने आखरत दी फिक्र पैदा हुंदी है। हुण मैं तुहाडे नाल दो घड़ी ओ गल करन लगा वा। आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गल लंबी है मैं मुकान लगा। आका फरमांदे जेड़ा बंदा दुनिया तो जा रहा होए उंदे कोल बया करो ते खुद तुसा कलमा पढ़िया करो ताकि उंदी जबान ते जारी हो जाए। अगर उंदी जबान ते जारी हो गया जन्नत मिल जाएगी। ते जेड़े आसे पासे फौत होने वाले दे कोल बैठे ने इंदे नाल बंदे दा दिल नरम हुंदा है। मौत याद आउंदी है, आखरत दी तड़प दी याद तैयारी जज्बा पैदा होता है। हजरात आका फरमाते ने कसरत नाल कब्रस्तान जाया करो, कब्रां नूं वेख के बंदे दा दिल नरम हो जांदा है ते अपनी कब्र याद आ जांदी है। बंदे दे दिल अंदर शौक पैदा होता है, मैं भी तैयारी करां कब्र दी। आका फरमाते मैयत नूं गुसल दिया करो, गुसल देन दी वजह नाल दिल नरम हुंदा है ते आखरत दी याद दी तड़प पैदा हुंदी है। जनाजा पढ़िया करो, जनाजे नाल कब्रस्तान जाया करो। ये गल्ला ने मेरे आका फरमांदे ने लोगो, जिंदे नाल बंदे दा दिल नरम हुंदा है आखरत दी फिक्र दी याद पैदा हुंदी है। हुण एक सवाल पैदा हुंदा है, मौलाना ए दिल ते नरम होएगा आखरत दी याद आएगी, तैयारी करांगे इंशाल्लाह, लेकिन सानू अजर भी मिलेगा कि नहीं? ए भी गल सुन लो। आमीना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा किसे फौत होने वाले दा जनाजा पढ़ता है, जनाजा पढ़न वाले नू अल्लाह पाक एक बहुत बड़े पहाड़ इंज समझो उहद पहाड़ जितना सवाब अता कर देंदा है। ते जेड़ा बंदा जनाजे नाल कब्रस्तान भी जाए दो पहाड़ा जिन्ना सवाब है। हुण अगली गल सुनिया जे, हजरत अबू राफे रजी अल्लाह तआला नू बयान कर दे हवाले दा मैं जिम्मेदार सिक्के बंद रवायत है। मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा मैयत नूं गुसल दे देंदा है, ओ नौजवानों जीना विरकां दे ओ बासियो, गल बड़ी कमाल जे आइंदा मुलाकात तक ए गल तुहानूं याद रहनी है। मैनूं अल्लाह पाक दी इज्जत दी कसम है, नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा बंदा मैयत नूं गुसल दे देंदा है, मैयत नूं गुसल देण वाले नूं अल्लाह पाक कितना अजर देंदा है, रब इतना राजी हुंदा है, गुसल देन वाले तेरा इतना राजी हुंदा है। आसमान तू आका फरमांदे ने अल्लाह पाक 40 मर्तबा ऐलान कर देंदे ने, ओ मैयत तू गुसल देन वाले आ, जा मैं रब ने तेनू मुआफ कीता, जा मैं तेनू मुआफ कीता, जा मैं रब ने तेनू मुआफ कीता। एक मर्तबा मैयत नू गुसल देना, आसमान तू अल्लाह पाक 40 मर्तबा मुआफी दा ऐलान फरमा देंदे ने। हाजी साहब मैनू अल्लाह दी कसम, अज लोग मैयत दे करीब नहीं जांदे, क्यों? अपने न्याणे नहीं जांदे, आंदे ने मैयत नू हाथ ना लाओ, रात नू ख्वाब अंदर डर लगेगा। अल्लाह मेरी तौबा, शैतान ने मत मार दित्ती है, लोग नेकी ना करन कि रब नू राजी ना कर लैन, शैतान ने दूजे पासे ला दिता है। प्यारे हो समझो बातां ते ध्यान करिया करो। एक मरतबा मैयत नू गुसल साडे ते बस मौलवी गुसल देवे, बाकी जनाब कच्छा अंदर हाथ पा के दूर दूर खड़े ने। और प्यारे हो मैयत नू गुसल देना बहुत बड़ी नेकी जे, मौलाना साहब दे नाल हाथ बटा दिया करो, रब दी रहमत बड़ी वसी है। अगर दो चार बंदे एक बंदा गुसल देवे रब 40 मरतबा मुआफी दा ऐलान, मेरा ईमान है चार मिलके गुसल देन, पांच मिलके गुसल देन, रब दी रहमत बड़ी वसी है, रब सारे मुआफी का ऐलान सबना लई कर देवेगा। और प्यारे हो मैं अगली गल भी कर दिया, जेड़ा किसे नू कफन पहना देंदा है, आका फरमांदे ने जेड़ा किसे नू कफन लेके देवे, कफन पहना देवे, फौत होने वाले नू कफन देवे, खुदा दी कसम अल्लाह पाक कफन देन वाले नू जन्नत दियां पोशाकां पहना देवेगा। इतना बड़ा जरो सवाब है, जेड़ा बंदा कब्र खोदे या कब्र दी अंदर मैयत नु उतार देवे या मट्टी पा देवे, कब्र खोदना लहद अंदर उतारना इतना बड़ा अजर सवाब है, इतना सवाब है, गोया के एक बेहतरीन मकान बना के किसे गरीब बंदे नु
ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਤੋਹਫੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਕਾਨ ਦੋਵਾਂ ਮਰਲਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਸਾਂ ਪੰਦਰਿਆਂ ਕਰਨਾ ਕਨਾਲ ਵਿੱਚ। ਦਸਾਂ ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਕਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਕਬਰ ਖੋਦੋ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰੋ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਆਖਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ।